DJ. The best DJ. DJ E-Dub. अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज नए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर आप लोगों को इतनी प्यारी जगह पर दिखाने के लिए लेके आई हूँ। तो आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने एक अपना वाउचर लेना है फीस सबमिट करवाने के लिए। तो पहले सबसे पहले लेने चलते हैं। पहले मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, चलो कैफ़े चलते हैं। तो गाइस मैं कैफ़े जा रही हूँ। तो उससे पहले मैंने आपको बात बता दी, बहुत ही ज़्यादा फ़नी बात है कि जैसे ही मेरे पेपर पास आते हैं ना, अब मेरे पेपर को थोड़े दिन रह गए, 23 को पेपर स्टार्ट है, और मुझे व्लॉग बनाने का इतना ज़्यादा जुनून चढ़ा हुआ है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, ऐसा क्यों होता है। तो ये है कि कोशिश कर रही हूँ कैसा कुछ ना हो। बाकी अब ये है कि चलती हूँ मैं कैफ़े देने के लिए अपना वाउचर, और उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। मैंने अपने डिपार्टमेंट में भी जाना है, तो चलें चलती हूँ अपने कैफ़े। और कैफ़े में ये कि मुझे प्रिंटर से मैंने निकलवाना है, इस वजह से कैफ़े का कह रही हूँ। बाकी कोई बात नहीं है। I'm thinking about positions, your body on my body. Tell me if you're listening, I'm ready for a sentimental kiss into this instrumental. Quite ready to pull up on you, girl. Tell me what you wanna do. I need to know if I'm getting through. मैं कैफ़े में गई थी, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कोई सीन नहीं है प्रिंटिंग वाला। मैंने कुछ वहाँ से प्रिंट निकलवा लूँगी, हमें वाउचर उन्होंने ऑनलाइन सेंड किए हुए थे, तो इस वजह से। तो अब ये है कि मैं अब क्या करूँ, मैं जाके पूछूँगी अपने फ्रेंड्स वगैरह से। कैफ़े भी यूनिवर्सिटी में ओपन होती है नहीं जहाँ पर प्रिंटिंग का कोई सीन हो। तो अब वो मुझे कॉल कर रही है कि हाँ आप किधर रह गए हो आज, और लेक्चर भी स्टार्ट होने वाला है, 15 मिनट रह गए हैं, और मैंने दूसरी तरफ भी जाना है। तो अब मैं चलती हूँ। फिर सोचा था मैंने फीस सबमिट करवा दूँगी अपने कैश लेके आई थी, लेकिन हमको मतलब से प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं कब होती है। तो गाइस रोड के साथ साथ एक मतलब कि ग्राउंड है, तो वहाँ पर मैं चलते हुए जा रही हूँ। तो अब ये कि यहाँ पर थोड़े दरख्त थे रास्ते में, बंदे को इतनी गर्मी नहीं लगती है। तो मैं आज का दिन तो मैंने सोचा था बड़ा शुरुआत में अपनी फ़ीस सबमिट करवा दूँगी और अच्छा गुजरेगा, गुजरेगा मतलब नहीं कि मेरे पास पैसे हैं तो घूमना हो जाए। तो लेकिन अब आज के दिन मुझे नहीं लगता अगर, तो आज सबमिट ना हो सके तो सुबह फ्राइडे है, तो सुबह सबमिट करवा दूँगी। इसके अलावा फिर दो छुट्टियाँ जानी है, सैटरडे और संडे, और मेरे पेपर हैं मंडे से स्टार्ट। तो मंडे से पहले पहले मुझे सबमिट करवानी होगी किसी भी कीमत पे, नहीं तो उन्होंने हमें पेपर नहीं देने देने। खैर अगर आज इधर ना हुई तो कल भी नहीं हो सकती, फिर मैं किसी और को भेज दूँगी, घर वालों में से ही करवा दें। क्यों इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, जैसे कुछ अलग दिन होता है, लेकिन अलग नहीं है। बाकी ये कि मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा 100% करके लाई हूँ, इस वजह से मुझे खुशी हो रही है। इतनी खुशी मुझे आज तक। इतनी गर्मी क्यों करके बैठे हुई है? इतनी ज़्यादा गर्मी तो है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला लेक्चर है वो तकरीबन 2:15 बजे स्टार्ट हुआ था, और जो सर हैं उनका लेक्चर था, सर रियल एनालिसिस के थे। तो सर ने आते ही कहा कि रोल नंबर वाइज सर ने अटेंडेंस शीट पकड़ ली, और कहा कि किसी भी बच्चे को दरमियान से रैंडमली उठा के क्वेश्चंस लिखवाने शुरू कर दिए जो हम सर ने पहले करवाए हुए थे। तो उसके बाद ये लेक्चर लिया हमने, और हम बाहर आ रहे थे कि हमने सोचा कि मेरे फ्रेंड के वो कह रही थी कि आज हम लेक्चर छोड़ देते हैं, हम खाने पीने चलती हैं। एक दफ़ा हम वापस आए थे जाने के लिए, जा रहे थे दूसरी तरफ, लेकिन फिर हमने सोचा कि एक लेक्चर अभी तक लिया है, एक और ले लेते हैं फिर कुछ करते हैं। तो वो कह रही थी नहीं अभी चलते हैं, कुछ नहीं तो आज फिर हमारे पेपर स्टार्ट हो जाने हैं। मैंने कहा लेकिन नहीं, ये वाला लेक्चर तो ले लेते हैं, हमारे HOD का लेक्चर है, तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो ये हमने लिया। इसके बाद इसमें हमें तकरीबन एक घंटा हमें पढ़ाया था बस,
और उसके बाद 4:30 बजे सर ने हमें फ्री कर दिया था, लेक्चर ख़त्म हो गया था हमारा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट था वो 5 बजे था, लेकिन हम लोगों ने जो है हमने सोचा कि हम आखिरी लेक्चर नहीं लेते और हम सोचते हैं मतलब कि आधा घंटा है तो हम इतने में खा पी के वापस आ जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जाना था हमने ब्रिज वाली साइड से खाने पीने के लिए। लेकिन फिर हमने कहा चलो अगर आ सके हो तो आ जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर हम छोड़ देंगे। तो ये लेक्चर ख़त्म होने का इंतजार कर रहे थे और हमने यहाँ पर बैठ के पर्चियाँ भी बनाई थी 7-8 चीज़ों के खाने पीने की, बिरयानी समोसे ये वो, तो उनमें से हमने 4 में से 8 सेलेक्ट करनी थी, वो आप लोग देखिएगा बड़ा फनी सीन होगा। तो गाइस हम लोग ने एक क्लास ले ली है, उसके बाद हम दोनों दोस्तें जा रही है खाने पीने के लिए ब्रिज वाली साइड से। एक लेक्चर भी हमारा रहता है लेकिन हमारे सब बर्दाश्त हो रही है, इस वजह से हम जा रही है। तो ये मेरे आगे ही जल्दी आ रही है हमें पीछे पीछे, तो हमने अब ब्रिज वाली साइड पे जाना है। आप लोगों को दिखाऊंगी वो किस तरफ से हम जंगलात से होते हुए जा रहे हैं। आप लोगों ने कहना आपकी आ रही हूँ, तो खेत ही खेत हैं आगे मेरे, पता नहीं क्या ये पौधा आगे इसकी तो बना ली है, वो देखो आगे जा रही है। रुक जाओ तुम्हें तो व्लॉग में ले रहे हैं हम, आ जाओ उड़ नहीं रही लेकिन तो पकड़ना ही था। हाँ वो क्या रही है, कौन सा किसी ने पकड़ लेना है, टीप टीप ट्यू उड़ती इतना सही है बस ये। मैं तो पहली दफा आई हूँ। चलो आगे आगे तुम्हारी वीडियो बनाओ। पेपर हो जाए हमारे फिर हमने वीडियोस बनाया करनी इधर आके कहीं। ये फुटबॉल का ग्राउंड यार, यहाँ पर मैंने टिकटॉक वीडियो बनाई थी जब अपनी बनाई थी ना शीशा टूटे वाली, अभी तक किसी ने उठाया ही नहीं है, वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ। चीज़ें तो हमने लेनी है, जाना ये डिसाइड क्या करना है इनमें से, फिर हम 4 पकड़ लेते हैं। हाँ? 4-8 है ना टोटल, 4 हमने चीज़ें लेनी है, पकड़ो फिर कौन सी निकलती है। 4 पकड़नी है बस, 4। चलो खोल के देखते हैं किसकी पसंद। ओ पोटैटो स्टिक्स लेंगे, इसमें से हम 2 ले लेंगे। अच्छा एक को पकड़ो। हाँ याद है पोटैटो स्टिक्स और पहुँच जल रहे हैं नीचे, ये ना हो सारे खाने पीने वाले निकल रहे, आलू वाला नान अब बिरयानी निकले तो सही है हमारे बिरयानी। चलो ये सारी चीज़ें फिर हम ले आते हैं, ये भी एक बैठी हुई है वो डेरी से, वीडियो आई बनी है इसको। आ जाओ तुम्हारी खाला को भी हम लेके आए हैं साथ, बनी इसकी पुप्पी है चाची है खाला है क्या है, तुम्हारी बेटी भी हो सकती है। अरे कहना क्या चाहते हो, अब किधर से जाना है देखो तो सही है। चलो आ जाओ हम यहाँ से एक दफ़ा तो गुजर जाते हैं ना, फिर वापसी में हम इस रास्ते से नहीं आएंगे, शॉर्टकट लिया है तो अब फिर ये कैफे वीरान हुई पड़ी है तो अब चलो आ जाओ। माशाल्लाह वहाँ से रास्ता बंद है, फिर इधर से गुजरना पड़े। टाइम क्या हो गया, हमने 5 बजे दोबारा वापस आना है इसी तरह से। 36 हो गए हैं, हम इतनी जल्दी आ गई हैं क्या? तुम कह रही थी हम 5 बजे वहाँ तक पहुँचेंगी, ऐसे ही हो गया। वाह हमने तो बड़ा फिर दिमाग लगाया आज। चलो तो हमने जाना ही इधर से, पहले आई थी जब मेरी शादी हुई थी ना उससे पहले मैं इधर आई हूँ, उसके बाद मैं भी आई हूँ। ये सूखे पड़े ना, ये सूखे हुए हैं, ये इतने भी हो गए तो नीचे कैसे गिरे हुए हैं। हाँ हम थी नहीं रमज़ान में, मुझे लगता है ये होगा ऐसे। ये वो ब्रिज है जहाँ पर हम पहुँचने का इरादा रखते हैं, हो जाओ हम जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे। पहले जाके हमने पानी पीना है यार, इधर ही पानी पीने, पानी यहाँ पर होगा वही इमली अल्कोहल, वही वो कल पानी हमने देखा था, वो पानी ना इस पानी में बर्फ़ डाल देंगे हमें। कौन से इस वाले पानी में, वो ना गोलगप्पे वाले अंकल ये थे उनके पास बर्फ़ थी। नहीं पानी पीना है वैसे इमली अल्कोहल का, वो हमने छाँस लेके। चलो ठीक है हाँ ये तो है, तुम पी लेना मैं फिर
कैसे भी होंगे, पी लेंगे हम, एक्साइट होगा, कुछ नहीं होता। कल मैंने पहली दफ़ा ये देखा, यहाँ पर दो ट्रेनें इकट्ठी गुजर के जा रही थी, मतलब कि एक उधर से एक उधर से, मैं तो हैरान रह गई, मैंने कहा मैंने कभी देखी नहीं। ये जिस तरह तंबू लगाए हुए हैं लोगों ने, भूल के पड़े हुए हैं। ऐसे भी होता है, ट्रेन आ रही होती है और आगे से उसी पटरी पे दूसरी ट्रेन आ रही होती है, उसी पे फिर वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, यानी कि ना पटरी को मोड़ देते हैं। एक बंदा आगे जो कुल्ली होता है ना, उसको इन्फॉर्म करते हैं, वो पटरी को उठा के ना, अच्छा उठा के किस तरह हो जाता है मुझे नहीं पता। वो देखो जो पोटैटो स्टिक्स पड़े हो, जिस तरह मेला नहीं लगा होता तंबू, वही देखो ये पड़ी हुई चीज़ें कितनी ज़्यादा। ये क्या है, टिक्कियाँ, नान है और पता नहीं पानी, पानी वाला इमली वाला यहाँ पर खड़ा हुआ था, मुझे अब क्या पता क्या करते, वो करने वाला खड़ा हुआ, वो खड़ा, ये हमारा उसमें निकला था ना, गार भी करीब खड़ा हुआ। हाँ स्पेशल इमली वालू खा रहा, पूछो कितने का है भाई, एक गिलास कितने का है, गिलास 40-50, 40 और 50 का, और इमली वालू का हाँ बना दे हमें दो गिलास, दो गिलास 40-40 वाले, 40-40 बाजपुर बताएगा, पूरी हो गई है भूख से, मेरे तो पाँव जल जल के पागल हो गए। उनकी तोलियों का आते हैं। हाँ जी यार, ये देखो रिमशा इधर आओ, वीडियो शर्मा इधर पीना लेके जाना, नहीं इधर ही पीना है, लेके जाने के लिए कुछ है, लेके जाने के लिए अगर आप उधर लेके जाना, हाँ जी लेके नहीं जाना पागल, वो तो इधर पी रहे हैं, मैं कैसे पीऊंगी, मैं तुम्हें बता दूंगी कैसे पीना है। अच्छा इसमें बना दो, लेके जाने के लिए एक में लेके जाने के लिए बना दे, एक इधर बना दे, एक इधर बना दे, ठीक है हाँ ठीक है बना दे। अच्छा ये तुमने उतारना है, वो अगर देख रहा हो तो ये उतरे तो क्या, उसे फिक्स किया हुआ है, ये पता नहीं किसकी बाइक है वो मैं। अच्छा चलो देख लो, प्लेट का नंबर ले लो, ले तो लिया हमें माफ़ कर देना भाई जिसकी भी बाइक है। चलो बना दिया, तुम अपना काम करो, वही उसने साथ किया हुआ है, फिक्स किया वही। मेरे साइड में एक पपड़ा था वैसे, अब वो नहीं है, नहीं है अब तो, अब इनको मैं फेंक दूँ फिर। यार टिशू मेरे बैग में है, टिशू नहीं, टिशू से क्या होगा, साफ होगा और क्या होगा। चलो आ जाओ इधर, आ सामने आ जाओ, बना रहे हैं क्या अपना आसमान के छान बुलवा कह रही यार, ये इमली वाला खाते कैसे, ये रेड तो है, ये तो मुझे जामी शरीफ लग रहा है, ये कौन सा है, ये जामी शरीफ बना रहे हो आप, नहीं फिर इमली आलू बुखारे का लग नहीं रहा ये, ठीक है भाई नंबर पाओगे पर फोन दे। चलो पी के रिव्यू करो कैसा लगा है, पी के टेस्ट करो, अगर अच्छा लगा तो नहीं वैसे नहीं लगा, इस तरह भी नहीं। हाँ कैसा है, इमली आलू फर्क लग रहा है, अच्छा ये देखे ना इसमें तो थे दो कलर, ये लाल ये होता है, ये कलर हाँ ये वाला मेरा चाहिए था ना, बस ये वाला मेरा भी वही है सेम यार, थैंक यू। चलो अभी वो लास्ट उड़ जाना था इसमें, कोई बात नहीं बदल डलवा लो इसमें, बोलो भाई 10 रुपए नहीं दे रहे, चल रहे मेरे से, अच्छा ठीक है हम कल भी रहेंगे, अंकल ने इसलिए 10 रुपये में वापस नहीं दिए कि हम कल दोबारा आएंगे, बड़े तेज़ हैं कल, वैसे तुमने छुट्टी कर लेनी, मैं अकेली आके ले जाऊँगी। अब क्या लेना है, अब बिरयानी ले लेते हैं पहले, गिलास नहीं देना था चलो दिपी जल्दी फिर वापस कर लेते हैं, अगर उन्होंने हमें 10 रुपये नहीं दिए, हमने उनका गिलास नहीं देना, गिलास 10 रुपये का तो नहीं आता वैसे, मैं देखा मैंने बस निकाब करा हुआ है, यहाँ पर गोल गप्पे हैं, यहाँ पर यार टिक्कियाँ पता नहीं क्या क्या, नान भी हैं, सिंपल नान भी हैं, भीगी जा रहे पता नहीं क्या, गिर गिर ये तुम बोतल बैग में डालो, पानी गिर जाना इसका, नहीं तो निकाल के फिर डाल देते हैं।
हम इधर वाले लड़कों के साथ नहीं आए थे। यूनिवर्सिटी में कोई अच्छा नहीं था, यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं मिला था। कहीं तो पहले लाभ जोड़ चल जा ड्रामे ना कर। कुछ नहीं यार, एक बिरयानी लेनी है, एक लेनी, मैंने कोई नहीं खानी खानी, ठीक है ना, एक बिरयानी लेनी है बस, ठीक है। मुझे मैंने कर ली, मुझे अच्छी नहीं लगी थी इतनी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी लगेगी। यहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा, सही है, हाँ सही है। ये तुम्हें पता है वो अंकल है जो यूनिवर्सिटी में बिरयानी में, ये वही है सेम। हमने कल पूछा, मैंने कहा अंकल आप यूनिवर्सिटी में कब आ रहे हैं, कहते हैं अभी तो कोई सीन नहीं है, अभी कोई सीन नहीं है, क्यों? वो कहते हैं ठेके का मसला है, वही है। और मैंने एक बात सुनी है कि यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें थी ना वो एक्सपायरी दी गई, और एक लड़की थी उसका अंकल था मामू, तो उसने उन्होंने शिकायत की है कि हमारे उन्होंने फूड अथॉरिटी वालों से बात की है, तो उन्होंने इस वजह से यूनिवर्सिटी में चीज़ें बंद की हैं। मैंने ये सुना, ये भी सुना है, ये देखो जिस तरह के शोपर में लेके जाना, हमने इस तरह लेके जाना, वो उधर देखो उधर कैमरे में इस तरह हमने रखवा लिया, कल हमने इस तरह रखवा। चलो यू नो खत्म हो जाए। हाँ मैं पाँव दे पाँव दे इसने, किसने हेलो यार, वो देखो गोला कितने मजे का आगे देखो, कौन सा वो आगे बना रहे हैं, मैं वो दिखा रही हूँ बस, उधर भी मिलता है, ठीक है। चल हाँ 10 किलो यार बनाओ, एक बिरयानी दे, थोड़ी हिम्मत मारो यार, कभी ये स्पीड मार ला, 5:30 बजे बिरयानी होनी चाहिए। ओ इनके भी और बिरयानी लगनी है इनको, सही बिजनेस सारा दिन में। मैं कल यही रात को सोच रही थी, हाय हाय टक टक, ये जरूरी होता है एक बोटी चॉकलेट गोले वाले सारे कैमरे और देख रहे हैं। आजो आजो एक चम्मच ही वैसे वादू है, अच्छे नहीं लगते तुम्हें ये वाले? हाँ। बस ठीक है, मैंने तो मतलब ऐसे ही कहा था, शोपर में डलवाना है और क्या? लेकिन अब एक है कि शोपर में डलवाना है, कह दो फिर इनके लिए, शोपर पड़े हुए होते हैं उनके पास, ये अब रास्ते में खुल जाना है। कहाँ पड़े हैं? अंकल के पास होते हैं, अंकल शोपर है आपके पास? अंकल जी शॉपर हैं, अब हमने यूनिवर्सिटी इसको खोलना, हमने कब कुछ कहा है, हमने लेने लिए ही नहीं है, हमें इधर आए नहीं है, वो हमें कह रहे हैं स्पाइसी या नॉर्मल। हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी चस्का पॉइंट पे, आलू वाले नान लेने हैं हमने, आलू है ना एक, हाँ एक ही, एक कितने का है? एक ही दे दे, गर्म है ना अंकल? आप यूनिवर्सिटी में बनाते थे नान? अच्छा कब तक ओपन होने हैं यूनिवर्सिटी में? अच्छा पहले के बाद अभी इतने दूर है बेटा। ब्रांडी के साथ तुमने खानी तो ले लो, कितने की पता नहीं, कितने की, एक कितने की है? बस एक ही डाल दें, एक ही हमने बिरयानी के ऊपर डालनी है इस वजह से, नहीं बस नहीं। चलो आ जाओ, पैसे दे दो, कितने बने? कितने हुए? 70। चलो ये वाला मैंने लेना है, पोटैटो स्टिक्स वाला, हाँ ये कितने का? 20 का, बस मैंने एक ही लेना है, तुम अपने ना चना चाट ले लेना,
लेना है। ये पीनट्स हैं, गर्म होते हैं, गर्मी सर्दियों के लिए होती है। और क्या लेना है? लेस यार यार लेस हमारे आए थे वैसे, नहीं तो ले लेते हैं हो गई। अच्छा ये 70 फिर बन गए, फिर हमारे 70 हो गए हैं। ये दो चीज़ें नहीं है शॉपर में, शॉपर में जगह नहीं है। तेरे बैग भी छोटा सा, इसमें भी नहीं आने हैं। तुम अपने बैग में डालो। हाँ डालूंगे, रास्ते में हम शिफ्ट करेंगे सारी चीज़ें। इस तरह हम एक दफ़ा ले लेते हैं। चलो अब चना चाट लेनी है। मैं तो नहीं आ रही अंदर। नहीं तुम कब आ रही हो? हाथ खुद आ रहे हैं। चना चाट यहाँ से मिलती है। खाने चार ज़्यादा दिल कर रहे हैं आज। सारी चीज़ें नजर आ रही है, दिल कर ही जा रहा है। अगर यार खाने तो फिर हमें वो चेयर मिलती, फिर हम खाते ना इस तरफ कैसे। देख लो फिर क्या करना है। लेनी है? मैं तो कहती हूँ वो ले लो, चना चाट दो भाई, एक चना चाट दे। यहाँ पर टाइम बहुत जाना है। चलो इधर से आगे पकड़ लेना, इधर से आगे ले लेना। क्या मैंने कहा इधर से आगे पकड़ लेना जल्दी। चलो फिर हमारी और भी चीज़ें हैं। चलो पैसे दे दिए। चलो हैं इतना कुछ यार टाइम। बस देख लो तुम्हारा फोन की तरह कहीं गिरा तो नहीं दिया? नहीं मैंने बैग में डाला हुआ। मुझे तो ये चाहिए, देखिए मुँह में पानी आ रहा है ये जिसका। अच्छी बात है। तब मैंने तो पकड़ी, लेकिन मुझे पता था संभालने में मुश्किल होनी है। मैं ये जूस नहीं संभाला जा रहा। बस करो, बस कर दूँ यू नो हम गड़म गिरी पड़ी हूँ। बड़ा मीर कितनी कमाई हो रही है। बस करो बाहर ये गाने देखो क्या हो गया तुम्हें। आए लोग जल्दी आओ, यहाँ जगह है बैठ जाते हैं। चलो हमने अगर 10 मिनट में भी खा लें, 10 मिनट हमें जाने में लग जाएंगे। साढ़े पाँच मैंने अभी इतनी जल्दी नहीं जाना, हम पूछ लेंगे ना सारा है। हाँ चलो ठीक है, अगर देखना तो फिर हम मिस कर देते हैं। मेरी जान, मेरी जान। यहाँ तो सही है मौसम। ओए मेरे पाँव में कीचड़ लग गया। वाह कितनी अच्छी लग रही है यार। ये यूनिवर्सिटी में रहते थे अभी और तरह का होता था, बहुत तरह का है ना। आ जाओ तुम भी खा लो, आ जाओ देसी जुगाड़। मैं सामान को बुला देती हूँ बिरयानी खाने के लिए। बिरयानी तुम छोड़नी बात, छोड़ते ना जितनी खानी। मैं ना नहीं खाऊंगी, बस था आधा बहुत आधा तुम खा लेना। नान टिक 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 करता हुआ जा रहा है। इधर इधर सीधा बैग में डालो। बैग में वही उलट पुलट जानी है। हाथ में सही है, मुझे पकड़ा दो हाथ में ऐसे। कितना गंद लाया होगा। कोयल ये पता नहीं, मैंने कहा शायद जो तुम कह रही हो आवाज़ आ रही है वो किस चीज़ की। कभी हम इस क्लास में पता है लड़के का सर फोन पढ़ाना है, सर फोन पे काम है। और मुझे मैं अभी भी सर उठाना है, शुरू से जब मैं पढ़ाने तक पढ़े मुझे तब बड़ा अफसोस। अभी मैं कहती हूँ नेक्स्ट सेमेस्टर में कभी पढ़ाने आना है। नहीं पहले डर लगता था, अब नहीं लगता। अब इतना लगता सर पहले पता है बोर्ड में बुलाते होते थे जी जरा होते होते माँ माँ बाल्टी भी इतनी डॉक्टर था। पहले समझते मम्मी दिए थे तो एक दिन गंदे गंदे नंबर आए थे सर ने बुला।
गमले यहाँ पर काफी टाइम बाद आ रही है तुम। मैं मुझे पता नहीं याद नहीं कब आई थी, वो सीधा पानी सीधा वहाँ पर याद नहीं, यहाँ पर मेरी क्लास होती होती थी। हाँ ये वाला रूम नहीं, इससे आगे वाला था शायद। जब मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी में आई, इस रूम में मेरी ओरिएंटेशन हो गई थी जब मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में थी, और कश्यप की बहन नहीं वहाँ मेरे साथ थी, और उस कश्यप का पापा और मेरे पापा जाने वाले निकले थे थोड़ा सा, फिर उन्हें मेरी दोस्ती हो गई। इस रूम में मेरा लेक्चर होता था याद, कितना डरावना रूम उस तक रूम ना। यहाँ है पानी, अगर तुम्हारी किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा। बोलो ये है, ये जाओ तुम, मैं इधर ही हूँ। लाइट नहीं है, किसको कह रही हो? 5:37 हो गए हैं लाइट, अभी गई है यार। किस सूरत आई है वो देखो ना। चलो चलो पानी की तलाश में। ये भी भूल गई हो यार, यकीन करो मेरा दिमाग खराब पड़ा है। मैंने कहा शायद ये भी भूल गई। पानी है? ओह माय गॉड, इधर भी नहीं है, अब क्या करोगी यार? ये क्या मसला है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई जनरेटर तो लाइट तो है। माय गॉड कितना प्यारा आ रहा है, वाह। अभी जल्दी चलो, मुझे ना लाना, हमें नहीं आती। ये पीसी का किचन है, अगर यहाँ से कुछ मिलता है तो। क्या बोला तूने? हम कहाँ से निकले, कहाँ से आ रहे हैं वापस। ऐसे कैसे हो सकता है, डोम में पानी नहीं है। ऊपर फिर पानी मिल सकता है, वो भी गर्म, वो भी 50 की बॉटल। हमने जो चीज़ें ली थी हमने यूनिवर्सिटी में आके खा खू ली हैं, और पानी हमने इतना ढूंढा है, पानी यूनिवर्सिटी में ख़त्म हो गया था पानी पीने के लिए। और मेरी दोस्त जो है वो कह रही, मैंने अभी भी होश नहीं, अभी मैंने मरने लग जाना है। उसको हमने पानी ढूंढ के दिया है, अब वो खा पी के ये आ रही है पीछे, वो ये आ रही। तो मैंने कहा चलो आ जाओ, हमने लेक्चर लास्ट 5 बजे पहुँचना था लेकिन हम पहुँच नहीं सके, इस वजह से हमने लेक्चर छोड़ दिया। तो हम कुछ वीडियो पिक्चर बनाने लगे हैं यहाँ पर। तो गाइज ये यूनिवर्सिटी में हमने ना जो भी पिक्चर्स और वीडियोज़ बनाने थे हमने बना लिए, और उसके बाद 6 बज चुके थे और हमने 6:30 तक जाना था, तो हमारे पास अभी आधा घंटा था, तो हमने लेक्चर तो लिया नहीं था, वो हमने मिस कर ही दिया था। तो उसके बाद हम लोग बाहर आ गए, तो उधर से ये यहाँ पर इस साइड पर हमारे कैरी वगैरह खड़े होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बैठी हुई थी नहर के पास, और यहाँ पर एक ट्रक बड़ा सा गुजरा था और वो खरबूजों का भरा हुआ था, वो खरबूजे फेंक रहे थे नीचे, और ये बड़ा बड़ा फनी सीन देखने को मिला, जो लोग मांग रहे थे उनको दे रहे थे पैसे। तो उसके बाद हमने बैठे बैठे यहाँ पर प्लान बनाया कि हम यहाँ वेले बैठे हुए तो आधा घंटा पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर गोले वाले के पास चलते हैं। हमने पूरा देखा कि वो किस तरह गोला बनाते हैं, इन्जॉय कर रहे थे हम यहाँ पर खड़े होके।
ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਲਾਈ ਬਸ ਇੱਕ ਇਮਦੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟੇ ਦੋ ਇਮਦੀ ਵਾਲਾ तो यहाँ पर बैठ के हमने अपना गोला एंजॉय किया और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था यहाँ पर सूरज का, तो ये हमने बैठ के एंजॉय किया। उसके बाद इसके जाने का टाइम हो गया था। अब मैं जाऊँ? चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। मंडे को मुलाकात होगी। हाँ, पेपरों की तैयारी के साथ, पेपरों की तैयारी के साथ। अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा पेपर है मेरे। मैं तो सुबह भी आऊँगी। हाँ चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस अब शाम हो चुकी है, 6:30 से ऊपर टाइम हो गया। रिमचा को मैंने छोड़ दिया है और अब मैं थोड़ी देर तक मैं जाने लगी हूँ अपने गैरी में। तो आज का दिन हम दोनों ने काफ़ी इन्जॉय किया, खाना पीना, दो लेक्चर्स भी लिए और एक हमने लेक्चर बंक कर दिया। तो काफ़ी हमने मज़ा किया। नहर के पास बैठे थे, अब मैं उसे छोड़ने, इस वजह से मैं दोबारा अंदर आ गई हूँ। तो इसके बाद अब मैं अपने गरीबी जाने लगी हूँ। तो गाइस आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा सा व्लॉग था, तो हमने यूनिवर्सिटी में लाइफ कैसे गुजार रहे हैं, अच्छा सा व्लॉग था, छोटा सा गर्मी में जिस तरह की लाइफ होती है। तो आप लोग ने ज़रूर बताना आपको व्लॉग आज का कैसा लगा। तो अब मैं जा रही हूँ घर। ओके, अल्लाह हाफिज़। गाइस हम लोगों ने 6:30 हमने यहाँ से चले जाना था, लेकिन सिर्फ दो लड़कियाँ हैं, वो अपनी दोस्तों से मिलने चली गई हैं। और हम, ये हमारा कैरी खड़ा हुआ है और ये हमारी कैरी की लड़कियाँ सब वेट कर रही हैं। और हम 7 बज चुके हैं यूनिवर्सिटी में, और हम इधर घूम रहे हैं अभी तक रोडों के ऊपर, सिर्फ दो लोगों की वजह से लेट हो चुके हैं काफ़ी। अभी तक उन लोगों के आने का कोई सीन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर रोडों के ऊपर घूम रहे हैं और बस थोड़ी देर तक हम निकलने वाले हैं, 10-15 मिनट तक। सुबह मैं एक नया व्लॉग बनाऊँगी जिसमें यूनिवर्सिटी का टूर होगा, तो आप लोगों ने ज़रूर व्लॉग देखना है कि मैं जुम्मे वाले अपलोड करूँगी, और वो व्लॉग जो है वो सैटरडे को अपलोड होगा। बाकी गाइस मैं जाके बैठने लगी हूँ, शोर आ रहा है। तो गाइस मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मुझे पता भी नहीं चला। और तो आप लोगों ने बताना है कि आपको व्लॉग को कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसके बाद हम लोग घर चले गए, और अब मैं अपना व्लॉग जो है नेक्स्ट व्लॉग सुबह अपलोड करूँगी, जो कि यूनिवर्सिटी टूर होगा। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना व्लॉग देखा। अल्लाह हाफिज़। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go.